मुंबई की रहने वाली एक फिल्म स्टार जो कि OTT के कई प्लेटफॉर्म पर उनकी कई एडल्ट मूवी जो है वो देखने को मिलती हैं अक्सर, जिनका नाम है सपना भाभी। सपना यानी सप्पू जी, हाँ, सपना उर्फ सप्पू ने सहारनपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं पुनीत त्यागी, उन पर कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। सपना सप्पू ने अपने जो यूट्यूब का जो उनका एक ऑफिशियल अकाउंट है उस पर एक 9 मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो जो है वो शेयर किया है। उस वीडियो के अंदर जो सपना सप्पू हैं वो रो रही हैं और रोते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जो तमाम नेता या फिर जो मंत्री हैं उनसे न्याय की गुहार जो है वो लगाती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महानगर अध्यक्ष हैं पुनीत त्यागी, उन्होंने उनके साथ चीट किया है। मेरा नाम सपना गोयल है और फिल्म इंडस्ट्री में मैं पिछले 27 सालों से हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई रोड पे बड़ी औरत नहीं हूँ। मेरे साथ एक धोखा हुआ, मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं 8-9 साल से सिंगल मदर हूँ। मैं किस तरह से स्ट्रगल करके बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। इस बीच में मेरे साथ इतना गंदा हादसा हुआ है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, मुझे पाने के लिए उसने बहुत फूल भेजे, जो आप लोगों को पता है मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती थी, जिस पे लिखा आता था दीवाना। ये वही आदमी है पुनीत त्यागी। इसने मुझे जीता बच्चे को खुश करके बच्चे को ये भेजो वो भेजो सब कुछ भेज भाज के, तो मेरे को लगा मेरे बच्चे के लिए कितना अच्छा सोचता है। प्लीज उस अध्यक्ष को उठा के फेंकिए, उसको सजा दीजिए। मैं मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। भगवान ने मुझे घर दिया मुंबई में, मैं कमा रही हूँ, बच्चा बड़ा कर रही हूँ, मुझे कुछ लालच नहीं। लेकिन एक मैं भी किसी की माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ। अगर ये लोग ही बेटी बचाओ बोलने वाले ही किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करते हैं, धोखा करते हैं, भावनाओं से कहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे माफ कर सकते हो? योगी जी, बहुत बुलडोजर चला लिया आपने लोगों के घरों पे। तो कई तरह के आरोप जो हैं वो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सपना जो है उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही है। 9 मिनट के 26 सेकंड के इस वीडियो में सपना ये भी कहते हैं कि घंटों घंटों तक वो मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात किया करते थे। मुझे पा लिया, उसके बाद उसने मेरे को पिछले 2-3 साल से बनाया जा रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कैसे टूट गई, कैसे मैं किसी के बहकावे में मैं आ गई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे इमोशन के साथ खेला। मेरा मन कर रहा है कि खुद को कुछ कर लूँ, लेकिन नहीं कर सकती मैं। मुझे टाइगर के लिए जिंदा रहना है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ UP गवर्नमेंट से, आपको भी इनडायरेक्टली मैंने बहुत मोदी जी से लेके, योगी जी, हर यूपी वाले हर एक को मैंने, हर बड़े बड़े मंत्री के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मेरे कमेंट मिलेंगे कि मुझे आपसे किसी की शिकायत करनी है। इस मामले में हमने जो भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं पुनीत त्यागी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। उनसे सिर्फ फ़ोन पर ही इतनी जानकारी मिली है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है झूठा है और बेवजह मुझको फंसाया जा रहा है और इस मामले में वो कोई लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो सपना सप्पू ने शेयर किया है वो उनको फंसाने के लिए शेयर किया है, वो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल करना चाहती हैं। और सपना और सप्पू से कोई उनका किसी भी तरह का लिंक नहीं है और बेवजह उनको फंसाने की साजिश जो है वो रची जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुनीत त्यागी का यही कहना है कि इस पूरे मामले में वो एक्शन लेने जा रहे हैं, पुलिस से इसकी शिकायत करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन लोग हैं जो सपना सप्पू को हथियार बनाकर उनकी छवि को जो है वो बदनाम करना चाहते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले आपने देखा था सहारनपुर में ही जो एक फिल्म अभिनेत्री है उर्मिला सनावर, उन्होंने भी जो उत्तराखंड के जो पूर्व विधायक रहे हैं सुनील राठौड़, उन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। वो तो उनको अपना पति तक बताती थी, साफ तौर पर कहती थी कि उन्होंने उसके साथ शादी की थी, जबकि सुनील राठौड़ हैं उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया था और उर्मिला सनावर के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो देखा जाए तो सहारनपुर के अंदर एक दूसरा मामला सामने आया है, जब एक
फिल्म अभिनेत्री जो कि कई एडल्ट मूवी में काम कर चुकी हैं, जिनका नाम सपना है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं पुनीत त्यागी, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।